बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए, एक बार फिर से उपचुनाव जो है उन्होंने जीता है। इंद्रदत्त लखनपाल जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद जी। बहुत ही मेहनत रही, पूरी गर्मी आपने देखी। क्या गर्मी राजनीतिक तौर पर भी अब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब आप विपक्ष में? देखिए, वो तो रहेगी रहेगी, गर्मी का मौसम है और अभी इसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा, तो गर्मियों में जो है बुछारें तो काफी आएंगी, बुछारे आने की सुख बुगाहट जो है वो भी दिखती है। लेकिन विपक्ष में अब आप हैं, और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था, चेहरा वहां पर जो है वो आपका हमेशा से ये रहा कि वहां पे कोई चेहरा नहीं है आपके अलावा, जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, क्या प्राथमिकताएं है आपकी अब रहने वाली? सबसे पहले मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता का आपके माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जिताकर भेजा है और मुझ पर अपना भरोसा बरकरार रखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राज्य सरकार जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे आप भी लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ आप जुड़े रहे हैं, इस बार का चुनाव कितना अलग आप देखते हैं, क्योंकि तीन उपचुनाव जो हैं वो भी अब एक बार फिर से जो है वो सामने दिख रहे हैं? देखिए, ये वाला जो चुनाव था ये बहुत कठिन चुनाव था और चुनौती भरा चुनाव था, और चुनौतियों को हमने स्वीकार किया और जनता का समर्थन और प्यार मिला, तो इस सारी चुनौतियों को पार कर गए। तो मलाल है कि 6 सीटों का दावा किया जा रहा था, 2 ही सीटें जो है वो भाजपा जीत पाई? हाँ, थोड़ा सा मलाल तो है ही है, क्योंकि जो साथी रह गए हैं, हमें उम्मीद थी कि शायद वो भी जीत जाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए जीत नहीं पाए। अच्छा, इसके अलावा एक मेरा आखिरी सवाल है, सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, भाजपा लगातार इस बात का इशारा कर रही है, क्या संकट है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये सरकार अब आगे अपना काम जो है वो विपक्ष करने देगा पूरी तरह से? आगे आगे देखते रहिए, होता है क्या, इशारों इशारों में सभी कह रहे हैं लेकिन खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है। 6 CPS का मतलब? राजनीति में संभावनाएं हर वक्त बनी रहती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्ता पक्ष के लिए कोई विशेष संदेश आपके? सत्ता पक्ष के लिए विशेष संदेश यही है कि वो सकारात्मक रूप से काम करें और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सामने रखकर उनका निवारण करें, हवा हवाई वाली बातें बंद करके, समय बहुत कम रह गया है, और धरातल पर जाकर देखिए समस्याएं कितनी गंभीर हैं। अगर हमने समस्याओं को उठाया है तो हमने अपने लिए थोड़ा उठाया, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, आज पूरे प्रदेश में हालात खराब है, परिवहन व्यवस्था खराब है, बसें खराब पड़ी हैं, 1.5 वर्ष हो गया कोई बसेस नहीं आए हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार जो है वो सकारात्मक रूप से कार्य नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इंद्रदत्त लखनपाल, बड़सर विधानसभा सीट से जो है वो चुनकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।